हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू डिजाइन का झूमर। इसे बनाने के लिए धागा, इंची टेप, लाइटर, सीजर, लटकन, मोती, रिंग। रिंग हमें 3 चाहिए, 2 चाहिए 3 इंच की, 1 रिंग 6 इंच की। धागा हमने 2 रखे, हमें 4 लच्छे चाहिए। लटकन और मोती हमने 1 कलर में लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे इसमें हम गांठ लगा लिए। एक धागा हमारा 4 मीटर का है और हमने 8 धागे लिए हैं। एक धागा और लेंगे 1 मीटर का, इसके नीचे ऐसे रखे, ये भी सेंटर से ही रखेंगे। इसके लिए ऐसे ये वाला धागा यहाँ से और इसके नीचे से, फिर सेम इधर ये यहाँ से ये ऐसे। ये हमारी स्क्वायर नॉट है, 1 लगाए। इसी तरह इसमें हम 15 नॉट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे हो गया। ये धागे हम यहीं कट करके ऐसे चिपका देंगे, ये ऐसे। इसके बाद हम इसे ऐसे बनाएंगे। एक धागा लेंगे जो हमारा ये 1 मीटर का ही है, इसको देखिए ऐसे रखें, इसको ऐसे यहीं से मोड़ लिए, फिर इसमें ऐसे लपेटेंगे। ये देखिए जो हमारा मुड़ा था इसमें हम डाल देंगे, इसे ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए इसे यहीं चिपकाएंगे, इसे भी। ये देखिए हम 4 धागे लेंगे इसके, ये बीच में 2 किनारे में, ये वाले स्क्वायर नॉट लगाएंगे। जैसे हमारी 3 हो गई, हम इसमें 8 लगाएंगे। ये देखिए 8 हो गई। ये बीच वाले जो 2 धागे हैं, इनमें हम 1 मोती डालेंगे, फिर हम गांठ लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम एक ही साइड रखेंगे, दूसरे साइड नहीं रखेंगे। देखिए ऐसे वाले, एक साइड हम रखते हुए हमारे 20 हो जाएंगे, तब तक सेम इसी तरह बनाएंगे। ये देखिए हमारा एक घूम गया, तो फिर से इधर से लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे बन गया। फिर अब हम बीच में फिर से मोती डालेंगे। अब हम जो पहले लगाए थे स्क्वायर नॉट वाले, ये देखिए यही वाली लगा लेंगे। ये हमारी इसमें 8 आएंगे। ये देखिए जैसे एक हमने बनाया, इसी तरह हमारे 4 आएंगे, तो 3 और हम बना लेते हैं, फिर आगे दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने ये सभी 4 बना लिए, अब हम इस रिंग में जो हमारी रिंग थी उसमें धागे फंसाएंगे। इसको ऐसे किए, इसको ऐसे, देखिए 1 राउंड, फिर इसी से 1 बार और 1 धागे से 2 बार, फिर इसे छोड़ के फिर अगला धागा, फिर ये देखिए ऐसे एक फंसा। इसी तरह हम सभी धागे फंसा लेंगे इस रिंग में। ये देखिए जैसे धागे फंस गए, अब इस गैप में हम 5 धागे फंसाएंगे। एक धागा हमारा 2.5 मीटर का होगा,
इसी तरह हमारे टोटल 20 धागे आएंगे, इसको ऐसे ये ऐसे, ये देखिए इसी तरह हम सभी धागे फंसा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे सभी धागे रिंग में फंस गए। अब हम इसमें 4 धागे लेके स्क्वायर नॉट लगाएंगे, ये ऐसे, जैसे एक लग गए इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे मेरा एक राउंड हो गया, तो इस गांठ का और इसका एक धागा लेके एक मोती डालेंगे, तो हमारा दूसरा कहलाएगा। दूसरे राउंड में हम सभी मोती ऐसे डाल के ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फिर उसे छोड़ के अगला धागा लिए फिर बनाए। ये देखिए फ्रेंड, जैसे दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरे में अब हम गांठ लगाएंगे ऐसे। फिर इसके बाद हमें 4 राउंड और बनाने हैं, सेम ऐसे गांठ लगाते हुए बना लेंगे। टोटल हमारे 7 राउंड बनेंगे, ये ऐसे। इसको हम 7 राउंड बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे बन गया, अब हमारी जो रिंग थी सेम साइज की उसे लगाएंगे। तो ये धागे सब ऐसे करके इसको, ये देखिए ये ऐसे, एक धागे से 2 बार इसी तरह हम इस रिंग में सभी धागे फंसा लेंगे। ये देखिए अपन, जैसे हमारे सभी धागे फंस गए, अभी हम 4 धागे लेके ये ऐसे गांठ लगाएंगे। इसी तरह हमें ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसके बाद हम दूसरा राउंड लेंगे, तो पहले इसका और इसका एक एक धागा लेके एक मोती डालेंगे, ये ऐसे, फिर गांठ लगाएंगे। ये देखिए, इसी तरह हम ए राउंड कंप्लीट करेंगे मोती डाल के और गांठ लगा के। ये देखिए फ्रेंड, जैसे इतना हमारा हो जाएगा, इसके बाद इसमें और इसमें दोनों में हम एक एक मोती डालेंगे। और इसमें ये देखिए, अब हम यहाँ बीच में एक धागा लगाएंगे। एक धागा हमारा ये 2 मीटर का रहेगा, इसको देखिए ऐसे रखे, फिर इसमें वाली गांठ लगाएंगे। ये देखिए, अब इसमें हम एक मोती डालेंगे बीच वाले में, अब यहाँ भी एक धागा रखेंगे। धागे हमारे जो हैं 2 मीटर के ही रहेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ हो गया, अब इसमें इधर देखिए, इसमें इसमें दोनों में अलग अलग मोती डालेंगे। इसी तरह हम ए राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ धागा रखेंगे, हमारे जैसे पहले 28 धागे यहाँ
इसमें 8 धागे फिर 20 यहाँ, तो टोटल 28 हुए, तो हमारे 28 धागे ही रखे जाएंगे। ऐसे ऐसे रख के हम बनाएंगे। ये देखिए अपन जैसे ये राउंड हम इस तरह कंप्लीट करेंगे, अब हम ए वाले धागे दो के इसका और इसका लेके इसमें मोती डालेंगे। ये मोती के साथ हमारा तीसरा राउंड कहलाएगा। ये ऐसे फिर इसमें हम गांठ लगाएंगे, फिर इनमें इधर का लेंगे इसका एक और इसका, फिर इसमें मोती डालेंगे, फिर बनाएंगे इसी तरह जो अभी बना रहे हैं। ये राउंड हमें 4 बार बना लेना सेम। ऐसे मोती डाल के गांठ लगाते हुए 4 राउंड हम बना लेते हैं, फिर अगला दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा ये 5 राउंड यहाँ से हो गया। पहले एक राउंड में ऐसे मोती लगा दिए, फिर दूसरे में धागा लगा के मोती लगाए, फिर इसके बाद हम 5 राउंड सिंपल बिनते हुए। आप देखिए जैसे ये 2 धागे हैं, इनमें दोनों में मोती डालेंगे 2। दो इस गांठ के, 2 इस गांठ के। इसमें भी 2 ही डालेंगे। ये देखिए अब हम इसी गांठ में ये यहाँ पे गांठ लगा दिए, फिर हम डालेंगे, फिर इसमें 2 डालेंगे। इसी तरह हम ए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर इसी का दूसरा वाला 2 धागे लेके इसमें भी हम 2 मोती डालेंगे। अब इसमें भी हम गांठ लगाएंगे तो हमारा दूसरा राउंड कहलाएगा। इसी तरह हमें 3 बनाना है तो एक और बना लेंगे सेम यही राउंड। ये देखिए फ्रेंड जैसे हमारा 3 राउंड बन गया। अब हम एक इसका धागा लेके इसमें 1 मोती डालेंगे दोनों में, फिर एक और लेके एक गांठ लगाएंगे। इसको हम ऐसे करके टाइट खींच लेंगे। ये ऐसी फिर इसे छोड़ के अगला लेंगे। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसको हम टाइट खींचेंगे तभी हमारा अच्छा सा शेप आएगा। ये देखिए फ्रेंड जैसे हमारा 1 राउंड हो गया। अब हम सेम ऐसे ही 2 धागे लेके इसमें मोती डालेंगे, फिर बनाएंगे। इसी तरह हम 3 राउंड बना लेंगे और, तो हमारा टोटल 4 राउंड हो जाएगा। ऐसे हम टाइट करते ही जाएंगे, हमें ऐसे खींच के ही बनाना जिससे हमारा टाइट बने। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा 4 राउंड बन गया। अब हम रिंग लगाएंगे इसमें। ये हमारी रिंग 5 इंच की है। ये देखिए ऐसे रखें,
हमें इसके पूरे धागे नहीं फंसाना, एक धागा जैसे फंसाएंगे ये वाला, तो अगला वाला हम नहीं फंसाएंगे। इसी तरह हम इस रिंग में एक फंसाएं एक ना फंसाएं, ऐसे पूरे करके रिंग में हम धागे फंसा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा यहाँ ऊपर जो धागे छोड़े थे, इसके हम दो धागे लेंगे ये ऐसे, इसको हम दो धागों में एक मोती डालेंगे और एक धागा लगाएंगे। ये धागा हमारा 1 मीटर का एक है, ये देखिए। जैसे इसको लगा लिए, फिर अंगला इसे छोड़ के फिर अंगला लगाएंगे, तो इसी तरह हम ए राउंड पूरा इसी तरह धागा लगाते हुए और मोती डालते हुए बना लेंगे। हमारे टोटल धागे 28 लगेंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड, अब हमें 7 गांठों में काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 2 इधर के पहले छोड़ के फिर इसमें यही स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसे हम थोड़ा सा टाइट करते हुए बना लेंगे यहाँ। ये देखिए जैसे लग गया। अब 2 इधर छोड़ के छूटे थे, अब इस राउंड में हम इनको भी ले लेंगे, इस बार भी हमारी 7 गांठें आएंगी। ये राउंड हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे एक राउंड हो गया, अब इसमें हम 2 इधर छोड़ के फिर बनाएंगे। ये देखिए इसे यहां तक कर लेंगे, 2 लास्ट में भी छोड़ देंगे सेम। ये देखिए फ्रेंड, 2 छूटे थे, अब 2 और छोड़ के फिर बनाएंगे। अब हमें इसी तरह बनाना है, 2 इधर छोड़ के, जब तक हमारी 1 गांठ आएगी तब तक हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे एक हमारा ये बन गया, यहाँ 1 गांठ आई तब तक हम लगा लिए। अब हम इधर का लास्ट का धागा लेंगे, इसमें पाइपिंग करेंगे, इसके लिए ऐसे ये देखिए इसके बीच से फिर एक बार और, हमें 1 धागे से 2 बार फिर उसे छोड़ देंगे, फिर अगला धागा लेंगे फिर उससे करेंगे। ये देखिए इसी तरह हम यहाँ तक एक एक धागे से करके बना लेते हैं। ये देखिए जैसे हो गई, अब सेम हमें इधर भी करना है, इसका एक पहला धागा फिर ऐसे, ये देखिए। ये देखिए इसे हम बना लेंगे, जैसे एक ही है हो गई है, इसी तरह हमारी 4 आएंगी पत्तियां, चारों को हम बना लेते हैं फिर बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे बन गए, इसके बाद हम ये धागे कट किए थे, 3 इंच में कट कर दिए, ये साइड के 2 इंच में। अभी बीच वाले 2 धागे जो पाइपिंग वाले थे, इनको लेंगे, इसमें हम 2 मोती डालेंगे, ये ऐसे अलग करके ऐसे लटकन, फिर इसको ऐसे करके ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए इसमें हो गया। अब इधर के 2 धागे लेंगे, इनमें एक मोती पहले, फिर एक लटकन डालेंगे, फिर इन्हें भी चिपका देंगे। ये
ये देखिए इसी तरह हम इस सभी में लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड इसमें हमारे लग गए। अब जो ये वाले बीच वाले धागे थे जो रिंग में फंसाए थे इनको हम 11 11 इंच में सभी बराबर कट कर लिए हैं। ये देखिए इसमें हमें एक में ही मोती डालना है। ये देखिए दो मोती हम डालेंगे ये ऐसे, इसके बाद एक लटका ऐसे करके ये ऐसे। इसी तरह हम इसमें सभी में लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी मटकी कंप्लीट।